गाइस, क्या हाल है? ठीक है। तो जैसे अंडा खाया, इस वजह से मैंने बोला मुंह पे लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अभी इनका घास टाइम हो गया है। तो अभी इनका जो है ना पहले जंतर वंतर डाला है हमने। आज नई डिशन के लिए लाए थे जंतर, वो जंतर हमने डाला है, पर इनका जो है ना गुजारा नहीं हुआ। आज दूसरा लाए नहीं, हम लाए मकई। तो आज इनको जो अभी लाया हूँ मकई, फिर दूसरा लाया नहीं। देखो मौसम कितना प्यारा हो गया, और बारिश का चांस है। अरे खा भी नहीं रहे सही तरीके से, सारे फेंक के फेंक गए। पहला दिन था इस वजह से, ये पहले वाले मुर्गी एक बाहर रह गई। ये कहां छुप कर रखी है? वो बैठी हुई गंडों में ले गया, इसको घुमा के ले गया। इकड़े रैबिट 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 कैसे भाग गया? रैबिट कैसे भाग गया? आप ये चीज कर रही है, इसको चीज आ गया यार। आज फिर वो देखो मुर्गियों ने ना सारा वो बाजी फिर गिरा दी। देखा कल वो बकरियों के लिए दलिया नहीं मिला था ना? नहीं लेना गए, अभी आज लेकर आ गए। बच्चों वाला मिला था बकरी वाला ने। आ गया खाना आ गया तुम्हारा। अरे इधर आ गए, किधर खाना है हमको पता नहीं। अभी भाई इनकी सफाई भी करनी पड़ेगी आज, नहीं तो बारिश होगी तो गंद मच जाएगा। वन उनको पता लग गया, देख सब आ रही है, उंगलियां चबा रही है। क्या हो गया? वन टू थ्री। रेडी भैया? रेडी वो सारी आ गई हैं, वहाँ आ गई हैं। ये खुद खोलने की कोशिश कर रही हैं सारी, हम खोलने को इसका भारी। कैसे ये देखो कैसे आ रही है, देख रही है ये ब्राउन वाली मैंने पकड़ी है। चलो जी वन टू थ्री गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टट्टू का मुंह सही से आ जावे इधर। ये भाई हम इसमें वो दरवाजे पर लगने वाला कब्जे नहीं होते, ये इसमें लेके आए थे हम सोची रफ से। तो ये हमने जो है ना इसको बकरियों की खुराक के लिए बना लिया, पूरा पैकेट लेके आए थे हम कब्जे ही कब्जे से। कब्जे वो दरवाजों को लगने वाले, वो लगा नहीं हुआ क्या लकड़ी के दरवाजे को? दरवाजा खुलने वाला बंद करने वाला कब्जे, इसको बोलते कब्जे। चलो भाई खा लो अभी। कौन भाई कौन जिधर नहीं नहीं जिधर डल रहा उधर उधर जा रहा है। सब घूम फिर के खाएंगे। ये इनके अंदर जो पोटी होती है ना इनकी, अगर ये पोटी नहीं निकाली इनके मुंह के अंदर चलेगी ना बीमार हो जाती है। अभी जब दोपहर को डालो तब साफ करो सारा, जब भी डाला करो साफ करके डाला करो, क्योंकि मुर्गियों की पोटी हो सकती है, जैसे बकरी बीमार होगी तो मर जाएगी। समझ गया? साफ सुथरा रखा करो माहौल, खाने की चीज खास तौर पर। इनका रात का डिनर हो गया, रात इंशाल्लाह सुकून से आएंगे। अभी थोड़ा सा रैबिट को भी डाल देते, वो दो घंटे भी बड़े भाई इनके ऊपर बैठी हुई, रेड वाली बैठती है इसके अंदर ऊपर। ठीक है अभी थोड़ा सा रैबिट के लिए मैं निकाल लूँ यहाँ से, इतने बहुत हैं। तो तरबूज भी डाला है आज, ये
रैबिट की, अभी खाए नहीं खाए उनकी मर्जी, जंतर भी नहीं खा रहे रैबिट को। ये देखिए पड़ा हुआ जंतर रैबिट, वो जो भी डाला है सापर से वो सारा खा लिया। ये देखो इन्होंने भी नहीं खाया जंतर, रैबिट पसंद नहीं आया किसी को, इन्होंने खा लिया। चलो ठीक है फिर, बकरों को घास वास डाल दिया है, सबको डाल दिया है। अभी ये बकरियों को हमने ना 12 घंटे ये चोकर, ये ऊपर चोकर है, नीचे रोटी है और नीचे गंदम का दलिया है, इसको जो है ना हमने अभी इसमें डाल के मिक्स करना है। मिक्स करके हम इनको बकरियों को डालेंगे पानी वाली बाल्टी। ये अभी मिक्स हो गया, ये बकरियों को डालेंगे अभी, ये अपना सुकून से मजे से खा पी सकें, थोड़ा हेल्दी हो सकें। ये देखो ये मिक्स होकर दिया, ये चाय वाला पानी बर्तन जो बच्चों में से बच जाता है और सारा धो के बर्तन साबुन से नहीं वैसे बर्तन धो के ये इसमें डालेंगे। पत्ती वत्ती भी इसमें, ये देखो ये पत्ती भी है, डॉक्टर कहते हैं इससे जानवर हेल्दी होता है। तो अभी चल के डालते हैं बकरियों को। मुर्गियाँ भी खाएंगी, बकरियाँ भी खाएंगी। वो देख हमारा हमारे फौजी बैठे हुए हैं, प्रेग्नेंट। ये इसको डालेंगे दलिया, स्पीड स्पीड ज्यादा है। वो भाग गया ना, वो गुलाबों ने मारा। ये भी वही है, इधर से खा ले। इसको पानी में डाल दिया, उसमें चली गई। थोड़ा थोड़ा सब में खा रही है, दूसरे को नहीं खाने दे रही है। तो दोस्तों हमारा इरादा बना है यहाँ पर बांस लगाने का, कि बकरी इधर नहीं है, ये गुलुंगड़ों ने इधर सोया कर रहे हैं, इस वजह से हम ये काफ़ी वो उधर लगा हुआ जो आखिर दीवार के साथ आखिर आखिर पीछे पीछे उसके वो इधर कोई माप करे कितने फुट का है क्या है, ये जो है ना बिल्कुल मिला के लगा साथ। तकरीबन कितने 23 फुट 2 इंच का, 23 फुट 2 इंच का। अभी इसका फिर दरवाज़ा भी रखना है, हमने रखना है ना दरवाज़ा, कि बकरियाँ दिन को इधर घूमे छा तो रात को उधर रहें, रात को रहेंगी उस तरफ, दिन में रहेंगी इस तरफ। दिन में मतलब सारा घूमेंगी फिरेंगी ऐश करेंगी और क्या। इधर लगा है इसके साथ, इधर रखेंगे दरवाज़ा इसका पिलर के साथ लगा। हाँ इधर पिलर पे कितना आ रहा है सेटिंग देखेंगे, दरवाज़ा किधर उधर आ रहा है 6.5 फुट, मतलब 6 फुट 7 इंच का दरवाज़ा हो या इधर आ इस तरफ आ लगा। तो तकरीबन ये उधर ही सही रहेगा, 6 ये आ रहा है 7 फुट का, वो 6 फुट 6 इंच 7 इंच का, मतलब उधर सही रहेगा दरवाज़ा, सही है ना। इधर नहीं आएंगी, इधर गंद भी कम करेंगी, सफाई करनी आसानी होगी, सही है। इसको पकड़ो अभी आप, चिंकी मिंकी की
फादर पता नहीं कौन सा मौसम भी आने वाला है, बकरियां भी आम खाएं। अच्छा ये रैबिट को दलिया रखा था, खा गए ये सारा ही। रैबिट महंगनिया कर दी है बकरियों की तरह, पर छोटी 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 कर दी है। आज इनका ये पानी का भी डिजाइन चेंज कर दिया, क्योंकि बाहर निकलते थे रैबिट इसमें पीते थे पानी, इसलिए मैंने चेंज ही कर दिया, इसी में पिए। ये घास रख देते हैं इधर, थोड़ी देर बाद ये इसको डाल देंगे इधर। क्या ख्याल है? ओके आज हम ले रहे हैं बांस, देखते हैं बांसों का क्या रेट। पीछे एक से पूछा उसने कोई 18 रुपये, 22 रुपये और 35 रुपये बताया। अभी देखते हैं ये क्या भाई बताते हैं बांस। सलाम अलैकुम भाई, बांस क्या रेट है? तकरीबन वो 22-22.5 क्या रेट है? 22 रुपये पड़ेगा। मोटा और पतला? पतला हल्की कौन सी और अच्छी कौन सी? इसमें क्या फर्क है? फर्क सामने नजर आ रहा है, ये देखो इसमें मोटा मेरे को लग रहा है। 22 रुपये का भी है और 22 रुपये फुट। और ये 20 रुपये फुट है। इसमें टेढ़ा मेढ़ा होता है या क्वालिटी के ऊपर होता है, साइज के चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या लगेगा फाइनल? कितने चाहिए? 3 चाहिए। कितने दाने? 3 दाने। 3 दाने 22 रुपये? हाँ 22। सही लगेगा फिर में रायत करो ना। 3 दाने खैर हम दाने के हिसाब से देते हैं, जो 2-3 दाने होते हैं, लेकिन आपको फुट बता दिया तो फुट के हिसाब से देते हैं। तो एक दाना 700 रुपये का बेचते हैं हम 22 में। रायत नहीं होगी? रायत से तो एक दाना मैं आपको बता दूँ, 2-3 दाने जो होते हैं ना, हम देते हैं फुट के हिसाब से बेचते हैं, दाने के हिसाब से। वो छोटे टुकड़े भी आते हैं ना, इतने इतने वो कितने के? 50 रुपये। थोड़ा बड़ा होता है 8-9 फुट का, 100 रुपये। 80 रुपये 5 फुट का पीस आपको पड़ेगा 50 रुपये। 60 रुपये। चलो मैं देखो टच करूँ मार्केट, नहीं मैं टच करूँ मार्केट, ठीक है।